मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वीसी रे माध्यम सु विशेषज्ञ चिकित्सा सुव्या रूबरू कया प्रदेश में शीघ्र शुरू हेलो एंटीजन टेस्ट कोरोना सु मृत्यु दर ने न्यूनतम स्तर माथे ल्यावा खातर करियो गयो आह्वान। प्रदेश में आज 127 और नवा कोरोना पॉजिटिव केस मिलिया। कुल संक्रमितारी संख्या पुगी 16,787। 9 और मौत। रिकवरी दर भी बढ़ी, अब ताई 13,149 मरीज हुआ रिकवर। खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री रमेश मीणा करौली में विधायक भरोसीलाल जाटव माथे करेगी फायरिंग रे पछे वणारी कुशलक्षेम पूछी आपनी ही सरकार माथे उठाया सवाल कया प्रदेश में अपराधिया रा हौसला बुलंद। दौसा में बहुचर्चित पेंशन घोटाले रे मामला में जिला कलेक्टर करिया बड़ी कार्रवाई 37 ई मित्र केंद्र ने स्थायी रूप से करियो गयो बंद। मामला में लिप्त लोगा रे खिलाफ करी जा रही है कार्रवाई। और सवाई मानसिंह अस्पताल रा सर्जरी विभाग रा चिकित्सक कुट्टी मशीन माए आबासू कटिया एक 7 वर्षीय बालिका रे हाथ ने पुने कलाई सू जोड़िया। नमस्कार, राजस्थानी खबरा माए आपनो घणो स्वागत। मैं दिव्या चौधरी थाके सागे। अब खबरा विगतवार। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत काल मेडिकल कॉलेजा सु जुड़िया विशेषज्ञ चिकित्सा फैकल्टी और जांच विशेषज्ञ सु वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रे जरिए चर्चा करी। इन दौरान वणा प्रदेश माए एंटीजन टेस्ट शुरू कर बारी बात कही। इनरे माध्यम सु जांच रो दायरो बढ़ावो और शीघ्र रिपोर्ट प्राप्त करबा माए मदद मिलेली। साथ ही वणा कया के कोरोना सु मृत्यु दर ने निरंतर कम करता हुआ इनने न्यूनतम स्तर माथे ल्यावा खातर चिकित्सक समुदाय सु समाधान तलाश बारी बात कही। प्रदेश में आज सुवारे 127 और नए पॉजिटिव केस आबारे माथे, साथ ही अठे कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 16,787 वैगी है। जबकि जयपुर और जोधपुर में 3-3 और अजमेर पाली और एक दूजा प्रदेश रा व्यक्ति रे मृत्यु रे साथे प्रदेश में कुल कोरोना मौतों की संख्या 389 वैगी है। प्रदेश में आज सबसे ज्यादा 38 पॉजिटिव केस अलवर में मिलिया है, जबकि धौलपुर माए 30, जयपुर माए 13, कोटा माए 12 और सीकर माए 10 केस सामने आया है। इनरे अलावा अजमेर माए 5, उदयपुर माए 4, झुंझुनू करौली और बीकानेर माए 3-3, अरदौसा डूंगरपुर हनुमानगढ़ नागौर और सवाई माधोपुर माए 1-1 पॉजिटिव केस सामने आए हैं। वठे जुदा राज्य सु आया 4 और लोग संक्रमित पाया गया है, पर प्रदेश माए कोरोना मरीजा री रिकवरी भी 89% है, जो देश माए उच्चतम स्तर माथे है। अठे अब ताई 13,149 मरीज रिकवर वे गया चुक्या है, जबकि 12,869 मरीज इलाज रे पछे ठीक होर घर जा चुक्या है। प्रदेश माए अब 3,249 मरीज ही एक्टिव है। कोरोना सु बचाव खातर 30 जून ताई चलाया जा रिया जागरूकता अभियान रे तहत आज जयपुर जिला कलेक्ट्रेट सु जागरूकता वाहन रैली काढ़ीगी। रैली ने संभागीय आयुक्त केसी वर्मा हरी झंडी दिखार रवाना करिया। इनरे जरिए स्काउट एंड गाइड संगठन रा स्वयं सेवक लोगा ने कोरोना सु बचाव रे माए जानकारी देवेला। इक्कीस जून से 30 जून तक कोरोना के विरुद्ध जन जागरण अभियान का शुभारम्भ किया गया है। उसी के तहत आज राजस्थानी स्काउट गाइड है उसके नेतृत्व में प्रचार वाहन आवाज रवाना कर रहे हैं। यह प्रचार वाहन शहर के 21 प्रमुख स्थानों पर जाकर के चौराहे पर जाकर के स्थानों पर जाकर के वहाँ लोगों को जागृत करेगा, उनको बताएगा कि कोरोना के विरुद्ध कैसे लड़ाई लड़नी है। प्रदेश भर माए चलाया जा रिया विशेष कोरोना जागरूकता अभियान रे तहत हनुमानगढ़ माए भी जागरूकता रैली काडर आमजन ने सजगता और जागरूकता रो संदेश दियो। जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन और पुलिस अधीक्षक राशि डोगरा इन रैली ने रवाना करिया। रैली रे माध्यम सु लोगा ने कोरोना सु बचाव खातर सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड सैनिटाइजिंग और मास्क लगाया राखबारी सीख दी। ये संदेश देने का प्रयास आमजन से किया जा रहा है कि सभी लोग कोरोना के प्रति जागरूक रहें और बीमारी से बचाव का एक ही उपाय है कि इससे बचते रहें, सावधानियां बरतें। राज्य सरकार द्वारा जो
30 तक कोरोना की जागरूकता के लिए जो प्रोग्राम कार्यक्रम था उसमें आज सातवें दिन कड़ी में नगर परिषद हनुमानगढ़ से जिला अस्पताल तक कोरोना जागरूकता को लेकर एक रैली निकाली गई। प्रशासन, पुलिस, सभी कोई इसमें जुड़े हैं। हर जगह ये रैलियां निकल रही हैं ताकि कोरोना की महामारी से लोगों को जागरूकता कराई जाए और इससे कैसे बचना है। झुंझुनू जिला माए भी विशेष जागरूकता अभियान रितेत स्काउट एवं गाइड रे साथे महिला अधिकारिता विभाग कानीसु विभिन्न कार्यक्रम राखिया गया। स्कूली टाबरा रे साथे इन संस्था वासु जुड़िया लोग जिला कलेक्टर समेत शहरा रा विभिन्न संस्था माथे रंगोली बनार कोरोना सु बचवा खातर सावधानी बरतवारो संदेश दियो। आज हम सभी ने जैसे हम स्काउट बंधुओं ने सबने रंगोली बनाई, वो भी कोरोना के उपलक्ष में। हम जानते हैं कि कोरोना क्या है। कोरोना एक संक्रमित बीमारी है जिसके लिए हम सभी पे जागरूकता फैलाने के लिए ये रंगोली बना रहे हैं। हम सब लोग यहाँ पे सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के द्वारा कोरोना जागरूकता अभियान में आज रंगोली बना रहे हैं। हम सब रेंजर ओवर यहाँ पे मिलके लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि हमें कोरोना से किस प्रकार बचना चाहिए, ये बीमारी कैसी है और इसके बारे में सभी लोगों को हम बता रहे हैं। इस जागरूकता अभियान के सातवें दिन रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। यहाँ आप देख रहे हैं कलेक्ट्रेट के चारों ओर फिरु सिंह सर्किल, कोर्ट सर्किल, नेहरू पार्क, ऐसे छह जगह आज रंगोली बना करके कोरोना जागरूकता का संदेश दिया जा रहा है कि जन सामान्य को हम किस तरीके से इसके लिए अवेयरनेस करें कि वो अपना बचाव कर सके। प्रतापगढ़ जिला माए राजस्थान राज्य भारत स्काउट एवं गाइड जिला मुख्यालय रातत्वावधान माए कोरोना महामारी रे प्रति जागरूकता खातर हस्ताक्षर अभियान चलायो गयो। अभियान रो शुभारंभ जिला कलेक्टर अनुपमा जोरवाल करिया। इन मौके लोगों ने केंद्रा और राज्य सरकार का निसु कोरोना सु बचाव खातर टेम टेम माथे काड़ीगी गाइडलाइंस री पालना कर बारी प्रतिज्ञा भी दिलाएगी। प्रदेश में और प्रतापगढ़ जिले में भी जो ये 10 दिवसीय अभियान मनाया जा रहा है, ये कोरोना के खिलाफ जो जंग है उसको कैसे जन जागरूकता अभियान के तौर पे हम बदलें, जन जन को ये पता हो कि कोरोना से हमें घबराना नहीं है, इसके बहुत सरल से उपाय हैं। यदि हम अपनी जीवन शैली में उन उपायों को उतारते हैं तो यकीनन ही हम कोरोना से बच सकते हैं। तो इसी नारे के साथ कि कोरोना उसे घबराए नहीं, उसके लक्षण को छुपाए नहीं और आगे आए और अपनी साफ सफाई पे, पर्सनल हाइजीन पे ध्यान दें और इससे हम यकीनन अच्छे तौर से ये जंग। विदेशा सु राजस्थान आबाला प्रवासिया रो सिलसिलो आज भी जारी रियो। अतिरिक्त मुख्य सचिव उद्योग डॉक्टर सुबोध अग्रवाल बताया कि काल रात ताई 3 फ्लाइट माए 505 प्रवासी जयपुर एयरपोर्ट माथे उतरिया। इन माए दमन सु आई फ्लाइट माए 9 टाबरा समेत 184 और किर्गिस्तान सु आई फ्लाइट माए 143 यात्री और शाम ने कुवैत सु आई फ्लाइट माए 177 प्रवासी आया है। अनलॉक एक रे पाछे मिली छूट रेतेत परकोटा क्षेत्र माए दुकाना अब पहली री तरह खुलबा लागी है। अस्यमाए व्यापार मंडला कानी सू दुकानदारा नवे कोरोना संक्रमण खातर जागरूक करवारो काम करियो जा रियो है। चांदपोल बाजार व्यापार मंडल कानी सू आज दुकानदारा ने मास्क, फेस शील्ड और सैनिटाइजर रो वितरण करियो गयो। आज चांदपोल बाजार व्यापार मंडल के द्वारा सभी को अवेयरनेस के प्रोग्राम के तहत आप फेस शील्ड भी दी जा रही है, जो कि ये आपके सामने है, ये फेस शील्ड लगाई जाएगी जिससे कि उनको काफ़ी राहत मिलेगी। एक सैनिटाइज है पूरा, साथ में ग्लव्स भी दिए जा रहे हैं और ये दो अपने क्या बोलते हैं मास्क भी दिए जा रहे हैं। ये हमारे चांदपोल बाजार व्यापार मंडल की ओर से दिए जा रहे हैं। हम ये उम्मीद करते हैं कि 25-30% ग्राहकी चालू हुई है और व्यापारी भी थोड़ा सा संतोष अपने आप को फील कर रहा है, क्योंकि 2.5 महीने से और बिल्कुल लॉकडाउन होने के कारण कुछ भी नहीं कर पाया, अपनी किराया की दुकानों का किराया तक देने को असमर्थ है। लेकिन अब उम्मीद है कि जो समय आ रहा है
और ग्राहकी बढ़ रही है तो इसमें प्रगति होगी और तरक्की करेगी। खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री रमेश मीणा कया के प्रदेश माए अपराधिया रा हौसला बुलंद है और पुलिस रो नियंत्रण खत्म हो तो नजर आ रहा है। हाल ही जिला माए विधायक भरोसीलाल जाटव माथे करीगी फायरिंग रे पाछे वनारी कुशलक्षेम पूछबा पुग्या खाद्य मंत्री आपनी ही सरकार माथे सवाल उठाता थका। कया के प्रदेश माए अवैध बजरी खनन, पुलिस रिमिली भगत, कालाबाजारी और भ्रष्टाचार रा मामला लगातार बढ़ रहा है। अस्या में पुलिस री कार्यप्रणाली संदेह रा घेरे में है। समय रहते किसी चीज को दबाना नहीं चाहिए, किसी चीज को छुपाना नहीं चाहिए। हमारी कांग्रेस पार्टी है, आज पिछली बार पहले भी हमारे विपक्षी लोग कहते थे कि आपके समय में अपराध बढ़े हैं और अपराधों की संख्या बढ़ी है, तो माननीय मुख्यमंत्री ने जवाब दिया कि कोई भी आदमी FIR दर्ज कराने आए तो तुरंत उसकी दर्ज करो तो संख्या बढ़ेगी तो बढ़ेगी। हम चाहते हैं कि कानून का इकबाल हो, अपराधियों में भय हो, खौफ हो। ट्रैक्टर चल रहे हैं, किसी की मिली भगत से चल रहे हैं, और कितनी बार हमने IG तक को कह दिया है कि फलाना आदमी एस्कोर्ट कर रहा है, फलाना पुलिस वाला कांस्टेबल ये रेती बिकवा रहा है इनके इनके पार्टनरशिप में, तो जब कार्रवाई नहीं हुई तब मुख्यमंत्री तक बात जानी हुई। जोधपुर यूनिवर्सिटी कोरोना महामारी रा संक्रमण सु विद्यार्थियों ने बचावा खातर डिजिटल प्लेटफॉर्म रो सहारा लेता थका। ऑनलाइन परीक्षा करवार समय सु सत्र पूरो कर लियो है, साथ ही वापस नयो सत्र शुरू कर डिजिटल प्लेटफॉर्म रे माध्यम सु अध्यापन कार्य भी शुरू कर दियो है। अस्या करवाली या प्रदेश री पहली यूनिवर्सिटी बन गई है। ई रिसोर्सेज की क्या इम्पोर्टेंस है और ई रिसोर्सेज जो है हर कॉमन पर्सन तक कैसे रीच हो सकता है। अभी तक ये धारणा बनी हुई है कि ई रिसोर्सेज जो हैं वो कुछ चुने हुए इंस्टीट्यूशन से ले सकते हैं, क्योंकि सबके पास इंफ्रास्ट्रक्चर होना ज़रूरी है, लाइब्रेरी में ऐसी फैसिलिटी होनी ज़रूरी है कि वहाँ कंप्यूटर हो, इंटरनेट कनेक्टिविटी हो। ऐसी क्या हमारी फोकस, ऐसी क्या हमारी मेथड होना चाहिए जिससे कि इंडिया में कोई भी ई रिसोर्सेज से वंचित ना रह जाए, तो ये उस पर सेमिनार है। तो इसमें ये भी होगा कि लाइब्रेरी की क्या इंपॉर्टेंस है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, हर पर्सन की लाइफ की इंस्टीट्यूशन में, क्योंकि मैं कॉलेज जाऊं या ना जाऊं बुक्स मेरे लिए वैल्यूएबल होंगी। कुछ हद तक, काफ़ी हद तक हम लोगों ने अप्रोप्रिएटनेस और जस्टिस की है एग्जामिनेशन सिस्टम को, तो हम लोगों ने हर बच्चे को हर सब्जेक्ट में 3-3 ऑप्शंस दिए जिसमें से एक पे वो प्रोजेक्ट लिख सकते हैं, और प्रोजेक्ट लिखने के लिए उन्हें लाइब्रेरी चाहिए, उसके लिए इन सबको रिमोट एक्सेस दिया गया, तो हर बच्चा अपने घर में बैठ के हमारी लाइब्रेरी को एक्सेस कर सकता है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, इसकी इसके बगैर हम लोग नहीं कर सकते थे। तो सबने इम्तहान दिया उसी की तरह, और आज लास्ट डेट है उनके प्रोजेक्ट सबमिट करने के, उसके बेसिस पे हम डाउनलोड करके उनकी जो आंसर स्क्रिप्ट्स हैं वो सब टीचर्स को देंगे कोडिंग करके, और वो इवेलुएट करेंगे और फिर हम उसके बेसिस पे रिजल्ट निकालेंगे। तो हम कह सकते हैं कि प्रदेश में ऑनलाइन एग्जामिनेशन, ऑनलाइन टीचिंग और ऑनलाइन एग्जामिनेशन करने का हम लोगों ने पूरा काम किया है। दोसा माए बहुचर्चित पेंशन घोटाला रे मामला माए जिला कलेक्टर बड़ी कार्रवाई करता थका। जिला रा 37 ई मित्र केंद्रा ने स्थायी रूप से बंद कर दियो गयो है। गौरतलब है कि दोसा जिला माए अपात्र लोगारा दस्तावेजा माए काट छाट कर पात्र बनार वणा पेंशन स्वीकृत करा दी गई है। कई वर्षा ताई लोग पेंशन भी उठाता रिया, मामला रो खुलासो हो बारे पाछे पेंशन ने रोकियो गयो और रिकवरी भी करेगी। इन मामला माए लिप्त लोगारे खिलाफ कार्रवाई करी जा रही है। वो ई मित्रों का सबसे इसमें रोल महत्वपूर्ण पाया गया, जिन्होंने इस पूरी प्रक्रिया में को करने में जो है इस तरीके से धांधली करने में सबसे गलत रोल निभाया, तो इसलिए हमने करीब 37 ई मित्रों को परमानेंट बंद कर दिया। सस्पेंड तो हमने उस समय कईयों को किया था, फिर कुछ लोगों को बहाल भी किया था बाद में जब उन्होंने अपना कोई एक्सप्लेनेशन दिया अगर मैं ठीक लगा तो, लेकिन हमने 37 ई मित्र ऐसे हैं जिनमें कि बहुत बड़ी संख्या में उन्होंने इस तरह से धांधली करनी पाई गई है, और इस कारण से यह स्पष्ट है कि उन्होंने जानबूझ के काम किया है और रेगुलर बेसिस पे वो ये काम करते रहते हैं।
तो हमने उनको तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया है और उनको दोबारा उनका लाइसेंस बहाल करने की अब कोई संभावना नहीं रहेगी। प्रदेश में मानसून रे दस्तक रे साथे ही किसाना रा चेहरा खिल गया है। बुवाई शुरू होबा रे साथे ही बाजारा माए खाद्य बीज री दुकाना माथे किसाना री आवाजाही नजर आबा लागी है। कृषि विभाग इन बार 5,63,000 हेक्टेयर क्षेत्र माए खरीफ री बुवाई रो लक्ष्य राख्यो है। वर्तमान में मानसून का प्रवेश हो चुका है और किसान अब अपने खेतों में बुआई करेंगे, तो किसानों को सलाह दी जाती है कि प्रमाणित बीज का ही उपयोग करें। प्रमाणित बीज राष्ट्रीय बीज निगम, राजस्थान राज्य बीज निगम और प्राइवेट डीलर्स के पास पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। अगर किसी स्थिति में दलहन आदि का बीज घर का काम में लें तो उसको फफूंदनाशी से आवश्यक रूप से उपचारित करें ताकि फफूंद जनित रोग जो बीज के साथ चले जाते हैं वो ना हो। जोधपुर के आसपास इलाके में बारिश हुई, इसलिए किसान गुस्सा है। बीज लेने के आ रहे हैं, कोई सब तरह का बीज अवेलेबल है मार्केट में, सब सुविधा अनुसार लेके जा रहे हैं। मोदी जी ने साहब दुनिया में जहाँ लॉकडाउन में हंगड़ा ने जीव धारा किया, गिरियो मामलो गिरियो हम ठीक है। आज आप जोधपुर पधारी हो, की जोधपुर पधारी है साहब, धैर्य ले प्रसाद हुई है, भगवान की मेहरबानी हो, धैर्य ले। सवाई मानसिंह अस्पताल रे सर्जरी विभाग रा चिकित्सक कुट्टी मशीन माए आबा सुकटिया एक 7 वर्षीय बालिका रे हाथ में पुनः कलाई सुजोड़र वणा ने नई जिंदगी दी है। ऑपरेशन करबाला डॉक्टर प्रदीप गोयल रो कहनो है कि जागरूकता रे कारण सुरक्षित तरीका सु अस्पताल लायो हाथ रो पंजो ने आसानी सुजोड़िया जा सक्यो। एसएम अस्पताल में भर्ती हुई, जिसका शाम को 4 बजे कुट्टी मशीन में आने से हाथ कट गया था और वो यूपी के इटावा की रहने वाली है। वहाँ से परिजन उसको एसएम अस्पताल रात को 11 बजे लेकर पहुँचे और हमने 11:30 बजे उसका ऑपरेशन शुरू किया। सुबह 4 बजे तक हमने उसके बाएं हाथ को पुनः जोड़ दिया, उसमें खून का संचार विकसित हो गया, बच्ची अभी स्वस्थ है। कार्य में सबसे बड़ी चुनौती थी वो थी कोरोना की, क्योंकि कोरोना टेस्ट बच्ची का नहीं हुआ था और न ही हम करवा सकते थे, न ही हम उसका इंतज़ार कर सकते थे, क्योंकि ये एक तरह की इमरजेंसी सर्जरी है, इसमें जितना जल्दी ऑपरेशन हो उस नसों को जोड़ा जाए तो हाथ बचने की संभावना अधिक रहती है, इसीलिए हमने सारे प्रिकॉशंस लेते हुए इस कार्य को अंजाम दिया। कोरोना महामारी रे दौरान प्रवासी श्रमिका ने रोजगार उपलब्ध करवा खातर केंद्र सरकार री गरीब कल्याण रोजगार योजना री तैयारियां अब राजस्थान माए भी शुरू वेगी है। प्रदेश रा 22 जिला ने इन अभियान माए शामिल करियो गयो है, जिनरे तेत मनरेगा माए 125 दिन रो रोजगार श्रमिका में उपलब्ध करवायो जावेलो। पेश है एक रिपोर्ट। गरीब कल्याण रोजगार योजना अभियान, बेसिकली ये वैसे योजना नहीं है, वैसे देखे तो ये अभियान है। 125 दिन का अंदर अंदर सभी कार्य पूर्ण करना है और इसका मकसद है जो प्रवासी मजदूर जो लौट करके आए हैं उनको राहत देना, और इस जो भी जिला जहां 25,000 से ज़्यादा प्रवासी मजदूर लौटे थे उनका चयन किया गया है। पूरा देश में 116 जिले हैं, 6 स्टेट्स के, राजस्थान का 22 जिले हैं, जहाँ 25,000 से ज़्यादा मतलब लेबर आए हैं। ग्रामीण विकास मतलब मंत्रालय को इसका नोडल मतलब एजेंसी बनाया गया है इसका मॉनिटर करने के लिए। 1,73,645 परिसंपत्तियाँ का निर्माण करना है ये 4 महीना में, उसमें से करीब 23,000 जो मतलब आपका पशु आश्रय स्थल बनेंगे, भर्मी कंपोस्ट वाला 4,000 बनेंगे, फार्म पॉइंट 44,451 बनेंगे, वाटर कंजर्वेशन का 27,620 बनेंगे, ऐसे करके सब कुछ मिलकर के 1,73,645 परिसंपत्तियां बनेंगे जिसका कीमत 1,468 करोड़ है। राजस्थान में जो है गरीब कल्याण रोजगार योजना की वर्तमान में स्थिति क्या है सर? जो 2 दिन पहले ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से इसका वीडियो कॉन्फ्रेंस हुआ है, स्टेट से नोडल ऑफिसर भी अपॉइंट हो चुके हैं, मतलब आपका ACS RD&PR इसका नोडल अधिकारी है,
और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी उनका मॉनिटरिंग के लिए, इसका मॉनिटरिंग के लिए पूरा ऑफिसर्स अपॉइंट हो चुके हैं। राजस्थान में जो है प्रवासी मजदूरों की संख्या कितनी होगी जिनको इस अभियान के तहत लाभ मिले? ऑफिशियली मतलब जो ऑफिशियल डाटा है वो तो बेसिकली जो आदमी पास लेकर के आया, सरकारी बस से आया, वही टाइप का डाटा तो 13 लाख है जो मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी आता है। लेकिन बहुत सारे जो प्रवासी मजदूर जो चाल के आए ऐसे टाइप का डाटा भी है, तो एक असेसमेंट है कि करीब 20 लाख प्रवासी मजदूर मतलब राजस्थान में लौटे होंगे। और इसका इंडिकेशन ये भी है कि लास्ट ईयर इस वक्त नरेगा में 30 लाख लेबर काम करते थे, अभी हमारा 50 लाख लेबर काम कर रहे हैं। प्रदेश रा अधिकांश भागा माए मानसून रा सक्रिय होबा रे पाछे अनेक जिला माए बारिश वेरी है। पिछला 24 घंटा रे दौरान पूर्वी राजस्थान रा अनेक जिला माए जोरदार बारिश हुई। वटे राजधानी जयपुर माए विभिन्न क्षेत्र माए वही बारिश रे पाछे उमस बढ़वासु लोग गर्मी सु परेशान रिया। मौसम विभाग आगामी 24 घंटा रे दौरान जयपुर माए हल्की सु मध्यम दर्जारी वर्षा होबारी संभावना जताई है। वटे अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 39 और 28 डिग्री सेल्सियस रेबारी संभावना है। प्रदेश माए मानसून रे छा जाबा रे पाछे बूंदी जिला माए किसान धान री बुवाई माए जुट गया है। बूंदी माए प्रतिवर्ष लगभग 30,000 हेक्टेयर सु भी ज्यादा रकबा माए धान री फसल करी जावे है। कृषि विज्ञान केंद्र कानी सु मजदूरा री कमी रे चलता इन बार तकनीकी साधना सु बिजाई करवाई जा रही है। साथ ही धान रा बीज रुपाई भी तकनीकी साधना सु करी जा रही है। इस बार कोरोना की वजह से मजदूरों की बहुत कमी चल रही है और बूंदी जिले में लगभग 30,000 हेक्टेयर एरिए में पेड़ी की फसल की जाती है। और कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा यहाँ जानकारी दी जा रही है कि डायरेक्ट सीड सोइंग की जाए और ट्रांसप्लांटिंग के द्वारा तो किसान करते ही हैं। यहाँ पे किसान जो आ रहे हैं उनको हम प्रशिक्षण दे रहे हैं और हमारी ओर से डेमोस्ट्रेशन भी लगाए जा रहे हैं डायरेक्ट सोइंग करके, सीड सोइंग की। तो डायरेक्ट सीड सोइंग करने से एक तो लेबर का फ़ायदा होता है और टाइम पीरियड बचता है और हमारे किसानों को उसमें उपज में कुछ थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है, पर ओवरऑल हम अगर दोनों का कंपेयर करें तो हमको डायरेक्ट सीड सोइंग में ज़्यादा बेनिफिट होता है। धान की सीधी बुआई करवा सो बहुत बढ़िया फायदा मिला सर, गेड़ की भी बचत होती है धान की और ट्रैक्टर का भी खर्चा कमाओ सर और मजदूर का भी खर्चा कमाओ सर। ये बार मजदूर नहीं मिल रहा तो सीधी बुआई में सही काम होता है, सबकी बचत होती है। इस बार मजदूरों का भी टोटा रहेगा क्योंकि बिहार के जो श्रमिक आते थे पहले धान की रोपाई करने के लिए वो अब की बार वो नहीं आ पाएंगे क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से ये विपदा पूरे भारत में फैली हुई है। तो इस वजह से स्वयं को ही इस बार जल्दी करते हुए धान की रोपाई नहीं तो बीज की बुआई का समय वैसे 10 जून के लगभग रहता है परंतु अब की बार जल्दी ताकि अपन स्वयं ही परिवार वाले मिलजुल करके अपने धान की रोपाई कर सकें। हाँ, इस समय कोरोना वायरस चल रहा है इसलिए हमें खेती जल्दी ही शुरू कर दी है और मौसम का अनुभव देखते हुए बारिश भी होने लगी है जो धान की रोपाई जल्दी ही तैयार कर रहे हैं। डीडी राजस्थान माथे प्रसारित सगला समाचार थे मां का यूट्यूब चैनल राजस्थान डीडी न्यूज माथे देख सको हो और खबरा रा अपडेट खातर मां का ट्विटर हैंडल @DDNewsRajasthan ने भी फॉलो कर सको हो। और अब खास समाचार एक बार फेरू। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वीसी रे माध्यम सु विशेषज्ञ चिकित्सा सुविया रूबरू, कया प्रदेश माए शीघ्र शुरू हेलो एंटीजन टेस्ट, कोरोना सु मृत्यु दर ने न्यूनतम स्तर माथे ल्यावा खातर करियो गयो आह्वान। प्रदेश माए आज 127 और नुवा कोरोना पॉजिटिव केस मिलिया, कुल संक्रमिता री संख्या पुगी 16,787, 9 और मौत, रिकवरी दर भी बढ़ी अब तई 13,149 मरीज हुआ रिकवर। खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री रमेश मीणा करौली माए विधायक भरोसी लाल जाटव माथे करेगी फायरिंग रे पाछे वणारी कुशल शेम पूछी, आपनी ही सरकार माथे उठाया सवाल, कया प्रदेश माए अपराधिया रा हौसला बुलंद।
दौसा माए बहुचर्चित पेंशन घोटाले रे मामला माए जिला कलेक्टर करिया बड़ी कार्रवाई। 37 ई मित्र केंद्र ने स्थायी रूप से करियो गयो बंद। मामला माए लिप्त लोगा रे खिलाफ करी जा रही है कार्रवाई। और सवाई मानसिंह अस्पताल रा सर्जरी विभाग रा चिकित्सक कुट्टी मशीन माए आबारू सू कटिया एक 7 वर्षीय बालिका रे हाथ ने पुने कलाई सू जोड़िया। इंद्र साथ ही राजस्थानी समाचार पूरे हिया। नमस्कार।